हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी रतूरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ कर रहे थे जो कि हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आज के वीडियो में हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी रहेगी ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है हमारा ME-D008। जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है वो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 जो कि हमारी है एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम जो मेन करने वाले हैं वो हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट इंटरवेंशंस। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें, कई सारे इश्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पर देखे गए हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ये अलग अलग तरीके से आप इसे देख सकते हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस से, लैंग्वेजेस से, पॉलिटिकल आइडियाज, आइडियोलॉजीज, लोगों का माइग्रेशन, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, लेबर, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे शामिल होते हैं जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ रहता है और ये अफेक्ट करता है पूरे ही वर्ल्ड को। सो जब हम इस यूनिट की बात करें तो हमारा जो मेन कंसर्न है किस चीज़ पर रहेगा, वो रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर किस तरीके से पड़ा है। ठीक है, यूजुअली इन्वायरमेंट के बारे में लोग सोचते कम है, ग्लोबलाइजेशन के किस तरीके से इम्पैक्ट्स पड़े हैं इन्वायरमेंट पर, ये चीज़ें कम ही सोची जाती है और पढ़ी भी बहुत कम जाती है। ठीक है, तो इसे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो मेन हमें इसी पर फोकस रखना है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। जो कुछ टॉपिक्स हैं ऊपर जो आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन उसकी चेंज सिनेरियो को हमें नहीं देखना है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता है। नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट की, ये इसका एक एस्पेक्ट निकल कर आता है। जब हम बात करें फ्री ट्रेड एंड एनवायरनमेंट की, तो फ्री ट्रेड किस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुँचाता है, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। किस तरीके से जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जब बात हो रही है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात हो रही है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हो जाता है, इन्वायरमेंटल डैमेज में बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल डैमेज जो होने लग जाता है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ से, यानी कि जब ट्रक्स जो है ट्रक्स की जो आवाजाही जैसे कहा जाता है बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कोई भी ध्यान नहीं देता है जब यहाँ पे फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एंड एनवायरनमेंट की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की। जब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स से, किस चीज़ से इस चीज़ को रेफर किया जाता है, और रेस्ट्रिक्शंस की यहाँ बात हो रही है उन चीज़ों की ट्रेड के जिनसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही है जिनकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और ये किसके थ्रू होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के थ्रू की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जिस चीज़ का नुकसान ज़्यादा ज़्यादा होने लग जाता है तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती है। ठीक है, सो इसके बाद कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस भी है जो कि आपको याद करने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, समझने के साथ साथ ये चीज़ें आपको याद भी करनी है। ठीक है, जब स्पेशली बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर बात होती है कि जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, यानी कि किसी भी चीज़ से, मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, मान लीजिए मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट है, मेट्रो की वजह से पेड़ काटे जा रहे, तो जब डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, डेवलपमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो पेड़ काटे हैं, जितने पेड़ों का नुकसान किया गया है उतने ही लगाने भी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना पहुंचे। ठीक है, इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, ऑलरेडी इन्वायरमेंट इतना ख़राब रहता है, तो अगर पेड़ कटते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती है तो और ज़्यादा आपको पेड़ लगाने ज़रूर चाहिए, हमें इस तरीके के स्टेप्स जो है उठाने चाहिए। तो कुछ ट्रीटीज़ हुई, कुछ इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ यूजुअली की जाती है जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, बट वो ट्रीटीज़ किस हद तक सही होती है, किस हद तक उसको माना जाता है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सो कुछ इंटरवेंशंस को आपको देख लेना है और उन्हें अच्छे से लर्न भी कर लेना है। ठीक है, सो इसके बाद
ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है, बहुत ही ब्रीफ जाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट पर ही क्वेश्चन आएगा, क्या इफेक्ट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये इसी चीज़ पर जो है क्वेश्चन आता है, या इंटरवेंशन पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछे। इसी के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।